कानपुर के जितने भी मजनू हैं उन पे लगाम कसने की जिम्मेदारी प्रशासन ने हमें दी है। एक मजनू स्क्वाड बनाओ है गो कि आज के बाद अगर हमें कोनो भी मजनू कोनो भी महिला के साथ बदतमीजी कर तो भाव दिख गो तो बस सारे को हम ऐसो गुलचे आएंगे कि सारे की सारी मजनू गिरी निकल जाएगी। ये तई भैया विभूति यू आर अंडर अरेस्ट। किस जुर्म में आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं भाई देवे? गोरी मैम को गोल गप्पे खिलाने के। व्हाट? ओ भैया बंटी आइयो आइयो तना इन्हें प्यार से खींच के गाड़ी में धर लियो तना। क्या इज इट मैड अपू सिंह जी? ये क्या बदतमीजी है? अरे अरे अनु बेबी अनु बेबी अपू सिंह जी मैं आपको देख लूंगी। अरे बनाओ यार। अरे यार सुनिए सुनिए दरोगा जी। हाँ हाँ ये किस जुर्म में आपने विभूति भैया को धर लिया? गोरी मैम को गोल गप्पे खिलाने के। आई लाइक इट। सुनिए दरोगा जी इसका ये मतलब हुआ कि अगर मैं सरे बाजार किसी औरत को गोल गप्पे खिलाऊं तो आप मुझे भी धर लेंगे और ऐसे ही हवालात में ले जाकर लात घूंसों से मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे? ना बिल्कुल ना। बुक्का है सक्सेना जी कि जो कानून हो तो है ना वो पागलों पर लागू ना हो तो। पर गलत बात है ये तो भैया, बहुत गलत बात है। मतलब ऐसा करके आप हम पागलों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं। सक्सेना जो तुम्हारा ध्रुवीकरण गाओ घुइया के खेत में। आए बे तुम्हें हम ससर समझा समझा के मरे जा रहे और तुम तो गोला ठूस रहे। ये क्या बदतमीजी है अप्पू सिंह? सब गलती हो गई, बदतमीजी नहीं है। हमें 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 क्या लगू ससुर कौन आदमी कौन महिला के साथ बर्फ को गोला खा रहो? शट अप। ये औरत कौन है? मैं इसे जानता तक नहीं हूँ। गलती होगी साहब, माफ कर दू माफ कर दू। शट अप। अगर आहिंदा तुमने ऐसी कोई गलती की तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए सस्पेंड कर दूंगा। निखट्टू कहीं का। आई लाइक इट। अरे बात बात अरे बात बात ठहर जा ठहर जा ठहर जा ठहर जा यार ठहर जाओ महाराज। तुम आओ घर आ गओ। तुम यार ऐसे काहे घूर रहे हो? एक तो हम थैंक यू बोलो कि दरोगा जी आपने हमें इतनी दूर से घर तक लिफ्ट दे दी। कद्दू लिफ्ट दिया आपने स्टेशन से यहाँ तक? इस खटारा को धक्का मारता हुआ लेके आ रहा हूँ मैं। अरे तो ठीक है ना, तो बढ़िया है। जो कहो के ससुर, अभी हमने सिर्फ स्कूटर में धक्का लगवा हुआ है लेकिन तुमने जो मार्केट में कांड करो है ना। कौन सा कांड कर दिया मैंने? क्या कर दिया मैंने? बीबी को गोलगप्पे खिलाना का कांड है? बीबी को नहीं, कौनो भी महिला को खुलेआम गोलगप्पे खिलानो दूर में। यार मेरी वो बीवी कोई गैर औरत नहीं है। और कानून कौन सी किताब में लिखा है कि आप अपनी बीवी को गोलगप्पे नहीं खिला सकते? ये क्राइम है, ये गुनाह है। तुम फिर हमने कितनी बार कही हमें कानून न समझा तुम ससुर। तुम्हें हम एक बात बताएं, तुम्हारी जगह भैया विभूति कौनो और आदमी हो तो न सारो हम ऐसो गोलचे आते बाको ऐसो गोलचे आते सारो पैरन पे लिपट के रो रहा हो तुम बिखर जा तो सारो। आपको तो यही काम है कि बेगुनाहों को पकड़ो और जो गुनहगार उनको छोड़ दो। जी तुम्हारी गलत फहमी है भैया विभूति, कानून सबके लाने बराबर हो तो है। जाई पकड़ी तिवारी जी को, वो रात के इस पहर में भाभी जी को परेशान कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं। बिटिया सुनो, वो पंडित रामफल हमको फोन किए रहे। हाँ कहाँ बोल रहे थे पंडित रामफल? वो बोले हैं कि अंगूरी का कुंडली में बहुत अच्छा योग बन रहा है। अरे हाँ कैसा योग बन रहा है? आहा पुत्र रतन का योग बन रहा है और कैसा। क्या बात कर रही अम्मा जी? अब देखो बिटिया, इस बार जो है तुम मत चुकना है। लेकिन हमको करना कहा है अम्मा जी? हाय राम, अभी भी हम ही को बताना पड़ेगा।
पड़ेगा आप पगली कहीं की। अच्छा सुनो, तुम कहती हो तो हम बताते हैं कि तुमको क्या करना है, हैं? हाँ ठीक, बस समझाइए ना अम्मा जी। हाँ देखो, अम्मा जी हमको बहुत शर्म आ रहा है। हाँ बहुत साल हो गए बिटिया शर्माते शर्माते, अब अगर तुम हमको पोते की खुशी देना चाहती हो ना तो शर्माना छोड़ना पड़ेगा, समझी? अम्मा जी लटकी भैया आ गए हैं, आपको कल खुशखबरी देते हैं। हाँ हाँ ठीक बा, प्रणाम करे हैं। ओहो इलाइट फिर से चला गया। ओहो ये बम्बू कौन रख गया यहाँ? अम्मा से बतिया रही थी पगली। अच्छा क्या कह रही थी अम्मा? नहीं नहीं हम आपको नहीं बता सकते हैं। ऐसी क्या बात कह दी अम्मा ने जो नहीं बता सकती हैं? बताओ। अरे बताओ ना। ठीक बा हम बता देते हैं, लेकिन हम आपको कान में बताएंगे। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, बताओ बताओ ना, कान में बता दो। अरे हाँ बता रहे हैं बता रहे हैं। चलो ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर हम अम्मा की ख्वाहिश जरूर पूरी करेंगे। अरे हमको बहुत शर्म आ रहा है। अरे शर्म को मारो गोली, अरे तनिक यहाँ आओ, अरे पास आओ बगली। अरे ठहर जा ठहर जा, अंगूरी हमारी बीवी है। तुम सारे ठहर जाओ, तुम्हें पता है ना प्रशासन ने जो नियम निकारो है कि आजकल अपनी बीवी तक से बात करना गुनाह है। क्या बात कर रहे हैं? अभी अंगूरी जो हम नहीं कह रहे, जो तो हमारी खोपड़िया के ऊपर जोन प्रशासन बैठे हुए वो कह रहा हुए। अरे लेकिन अपनी बीवी के साथ ही। तुम ठहर जाओ और एक बात सुनो कान खोल के, जब से जो नियम निकले हुए ना सारे, हमने हमने अपनी प्रेग्नेंट बीवी से बात तक नहीं करी, उनके पास नहीं फटके। जब हम सारे नियम नहीं तोड़ रहे तो तुम सारे लाट साहब हो जो कानून तोड़ोगे। तुम चलो सारे। अरे कर क्या रहे हो? अरे 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 आप काम करो, तुम चल। अरे क्या कर रहे हो? हां ये सब क्या हो रहा है, हमरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। हदिया हां मिट्टी हमारी ना धोइए गुंडों को। हाय हाय, हेलो हेलो, हाउ आर यू? What is your name? My name is Tikaram. यार बलखान, ये किताब तो बहुत मोटी है रही है यार, एक दिन में याद नहीं होगी। या सही कह रहा है, एक काम करते हैं, किताबन को ना पैंट में छुपा लेते हैं, और जैसे ही जब वो लोंडी हमसे अंग्रेजी में कुछ बात करेगी ना तो किताब में से टीप के ना वापू ना तुरंत उत्तर दे देंगे। आइडिया बिल्कुल सही है यार। मुझे आ रही है यार, जोर की लग रही है यार। Hi boys. I'm good. What's going on? My father's name is Rajaram. So where would you like to go? My father name is Bhukan. Are you fools?
तुझे फूल बोल रही है। थैंक यू वेरी मच। यू नो व्हाट, यू बोथ आर रास्कल्स। I love you. तेरी सारे की जमीने सारे जा हिम्मत, तुम सरेआम लोंडियन को I love you बोल रहे क्या? रुको जी, क्या कर रहे हो आप? रुको जी, इतनी मुश्किल से हमने सेटिंग करी है, अपनी हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज ऐसे मत करो आप, है ना, सारा गुड़गोबर मत करो। दरोगा जी, हम तुम्हारे काम पड़ रहे, प्लीज छोड़ दो ना। अरे छोड़, सारे चौके छुकेने हैं, जज के सामने जाके कहिए। दरोगा जी, किस जुर्म में धर लिया लौंडों को? अरे यार, जिस सरेआम लौंडियां छेड़ रहे हैं, हम सारण की अबे ले जाके ऐसी कुटाई करेंगे सारण की नानी याद आ जाएगी। सुनिए, अगर आपको कुटाई करनी है तो मेरी कीजिए ना। मैं छेड़ रहा हूँ इन लड़कियों को, मैं छेड़ रहा हूँ। देखिए, और मेरी जान, जाने मन, जाने तमन्ना, जाने बहार, गुल बदन, मन चली कहाँ चली, वाह कितने खूबसूरत, कितने हसीन, कितने लाजवाब कपड़े पहने तुमने। ये देखिए ना, मैंने इनको छेड़ा, अब आप मुझे मारिए। अरे चुप कर, अरे मारिए। जो 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 कानून जो हो तो है ना, पागलन पे लागू नहीं हो तो, समझ गए? अरे चलो सारे, दरोगा जी, दरोगा जी सुनिए, मुझे मारिए। आई डोंट लाइक इट। बट वी लाइक इट। सॉरी सिस्टर, सॉरी। सो क्यूट भैया। अबे चुप कर, पर होता रहेगा, कुछ बताएगा भी। जैसे तैसे वह दोनों लौंडियों को मेवर मरखान पसंद आए थे, लेकिन वह हप्पू सिंह और सार ने सारा गुड़ गोबर कर दाओ। हाय दिया, हप्पू सिंह जी गोबर कर दिए। गोबर कर दिए? अरे उनका कहने का मतलब है सारा खेल बिगाड़ दिया, तुम भी ना एक नंबर की बॉडम हो। बस कीजिए, आप डांट क्यों रहे भाभी जी को? अरे भाई, हमारी बीवी है, आप इतना गए छिल रहे हैं। लेकिन पूछ रहा हूँ, डांट क्यों रहे हैं आप भाभी जी को? अरे डांट, एक मिनट, आप लोग क्यों बहस में लग गए? मुद्दा क्या है और आप कहाँ चल रही है? अरे भाभी जी, यही मुद्दे से भटकते हैं और हमें भी भटकाते हैं। तिवारी जी, आप रहने दीजिए, आप भी ना कोई कम नहीं है। आप लोग ये सोचिए ना कि हप्पू सिंह का करना क्या है। भाभी जी, वो हप्पू सिंह ने हमें मजबूर, सीधा बात कर। हाँ भैया जी, भाभी जी, वह हप्पू सिंह है ना, उसने मजनू स्क्वाड के नाम पे हम दोनों को दो बार लूट लो। भैया, हमने कहाँ का अट्टे पंजे, कैसे कैसे लगा के हमने जुगाड़ करके हमने पैसे इकट्ठे करा। तो भैया, हमने सोचो कि वह दोनों लौंडियन को हमें ना होटल में जाके खिलाएंगे, पिलाएंगे, घुमाएंगे, मगर वह हप्पू सिंह भैया वो हमारे सारे पैसे लूट के भाग गए। सारा मैं रो मत, उसने तो मुझे भी लूट लिया है। लेकिन आपके पास लूटने के लिए कहा था? तो पैसे तो होंगे नहीं, जाहिर सी बात है कचौरे लूट के ले गया होगा। क्या बका आपने भी? कुछ नहीं, हमने कहा कि हमें भी तो लूटा है भाई, हमें भी लूटा है। हद कर दी हप्पू सिंह ने। पता है बाजार में विभु मुझे पानी के पताशे खिला रहा था, और हप्पू सिंह ने सारे बाजार में सबके सामने उसको अरेस्ट कर लिया। हाँ भाभी जी, हमारे बेडरूम में भी तो घुस गया था। वो तो मैंने भेजा था। है? क्या क्या कहा आपने? अरे क्या कुछ नहीं कहा भैया, मुझे तो है ना ऐसा गुस्सा आ रहा हुआ, इतना गुस्सा आ रहा हुआ भैया, कि भैया मैं जी करता हूँ ये जो हप्पू सिंह है ना, पानी में बोरा में बंद करके गंगा जी में बहा दूं बस। लेकिन ऐसा करोगे तो तुम दोनों खुद ही जेल चले जाओगे। ठीक कह रही अंगूरी जी, कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। भाभी जी, अब आप ही बताओ, मैं आदमी को क्या करें हम? भाई हमें लगता है कि उसे उसी के तीर से मारा जाए तो बेहतर रहेगा। तिवारी ठीक कह रहे हैं, मेरे पास एक फूल प्रूफ आइडिया है। हाँ तो बोलिए ना। गुड मॉर्निंग।
लोवा तेरी आंखों का जादू, मिस्टर लोवा लोवा तेरी बातों का जादू, मिस्टर लोवा लोवा मेरा दिल धड़काए, मिस्टर लोवा लोवा मेरी जान ये जाए। चुका चल रहा जो क्या हो रहा है जो तुम भैया तिवारी और भैया विभूति तुम लोगों ने मुझे मोहब्बत के कीड़ा कछु ज्यादा ही नहीं बिलबिला रहे सोचो तो क्या आपू सिंह जी मोहब्बत चीज ही कुछ ऐसी होती है ये एक रबर की बॉल की तरह होती है जितना दबाओ उतनी ही फुदकती है उतनी उछलती है अच्छा तो फिर आज ये काम करते हैं सोचो जब गेंद को ही फोड़ देते हैं तुम लोग तो चलो पहले हमारे साथ थाने भाभी अंगूरी और गोरी में आप लोग अपना काम करो जे तो आज जाएंगे थाने अरे ऐसे कैसे ले जा सकते हैं आप इन दोनों को नहीं ले जा सकते आप और वैसे भी मोहब्बत करना कोनो पाप तो नहीं है भाभी अंगूरी अब जवाब को जवाब अदालत देगी तुम अंदर जाओ पगले बेबी यू गो इन Listen, you dance well, huh? ऐसा है कि अदालत जाने से पहले अपनी कीमत तो बोलिए कीमत क्या बोली तुम तो वो कह रहे कितने में बिकेंगे दस हजार दस हजार क्या बोल रहे हैं दस हजार दे दस हजार मांग रहे हैं तिवारी जी दस हजार मांग रहे हैं दस हजार अरे यार इतने खड़े ना आराम से हाँ तो बात कर रहे हैं आपस में भाई कोई प्रॉब्लम है एक मिनट ठहरो ये इन पहले ये पकड़ लिया 5000 न्योछावर चलिए ठीक है 5000 आपने दिया तो 5000 मैं भी दे देता हूँ दियो ना बोलो जरूरी है दो चार और ये लीजिए 5000 तो टोटल मिला तिवारी जी कितने हुए 5000 मेरे 5000 आपके 10000 न्योछावर ठीक है ना यार इतनो काय चिल्ला रहे ढिंडोरा काय पीट रहे आराम से करो अपनो मिस्टर लोवा लोवा आराम से कोई दिक्कत नहीं है अरे भैया भाभी अंगूरी घर पे है का अरे अरे गोरी मैम भी पधारी है गोरी मैम हाय हेलो अप्पू सिंह जी आप ही का तो इंतजार कर रहे थे हम गोरी मैम हम आओ इंतजार हाँ भाई हम सब आपका बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे भैया हम आओ इंतजार गाया हो रहा हुआ है कुछ खास है आपके लिए हेलो एवरीबॉडी जैन साहब आप यहाँ जय हिंद जी एक्चुअली कमिश्नर साहब को हमने ही यहाँ बुलाया है हाँ कुछ दिखाने के लिए दिखाइए क्या दिखाना चाहते हैं आप सर ये देखिए ये कुछ क्लिपिंग है जरा देखिए ऐसा है कि अदालत जाने से पहले अपनी कीमत तो बोलिए दस हजार दस हजार चलिए ठीक है 5000 आपने दिया हाँ. तो 5000 मैं भी दे देता हूँ दियो ना बोलो जरूरी है दो चार और ये लीजिए 5000 तो टोटल मिला तिवारी जी कितने हुए 5000 मेरे 5000 आपके 10000 न्योछावर अप्पू सिंह ये सब क्या है अरे ना ना साहब हम तो इन लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं हमारी सरकार ने कानून इसलिए बनाया है औरतों की हिफाजत के लिए और तुमने इसका गलत फायदा उठाया है अप्पू सिंह ना ना साहब हम हमारी बात सुनो शट अप अप्पू सिंह यू आर सस्पेंडेड फॉर 1 वीक एक्सक्यूज मी सर अरे सर इन्होंने हमारी भी इज्जत जेब में लूटी है ये आदमी ना जाई के लायक है अरे यार कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घूमो हमें कौन तकलीफ ना है क्या गुजे घूमे भाग गई वो दरोगा जी वह लोंडिया ना हमारा बेवकूफ बना रही थी अपने बॉयफ्रेंडन को जला रही थी